Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो गाइस मजे के और छुट्टियों के दिन वो खत्म होने वाले हैं और मेरे कजन भी आए हुए नीचे कजन। सो गाइस समर वेकेशन में सिर्फ 3 दिन ही रह गए, उसके बाद वही दिन शुरू हो जाएगा जो नहीं चाहता। दूर ट्यूशन मदरसा में पागल हो जाऊँगा पढ़ पढ़ कर। इतना सुस्त हो गया हूँ मैं, कहीं भी जगह दिखती है ना खाली जहाँ पकड़ा चलो वहाँ पर जाके लेटी होता हूँ। सो है अपने स्कूल को भी मिस कर रहा हूँ और दोस्तों को भी। स्कूल पढ़ने का भी अपना मजा है दोस्तों के साथ। सो गाइस मुझे आ रही होती है ट्यूशन, स्कूल के टाइम में मुझे नींद आती रहती है, ऐसे ही होते हैं नखरे झगड़े में। अभी थोड़े दिन जल्दी जाना, कल जाना, मैं भाग जाऊँगा नीचे। दरअसल कज़न से आए हैं ना, इसलिए मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का, मिलने जा रहा हूँ। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ ट्यूशन, मेरा दिल नहीं चाह रहा क्योंकि कज़न से आए हैं तो इनके साथ रहने का दिल चाहता है। सही है, जा रहे हैं मामा है। ये 2 महीने एक छोटी बहन नीचे, सही है वो 5 साल की है, और ये देखें ये 10 साल का, और हाय हेलो, ये मुझसे बड़ा है, ये उस्मान है, सही है। और आपको एक बात बताऊँ, इसकी बात बताऊँ, इसे बहुत शरारती बच्चा और बहुत शबाटर। तो आज मैं इनको ट्यूशन छोड़ने जा रहा हूँ। सो गाइस मैं अकेले जाता हूँ, ये मेरे साथ चिल्ला बगैर पूछे, मुझे नहीं पता क्या। सो गाइस देखो मैं ट्यूशन अंदर आ चुका हूँ पढ़ के, और ये देखिए कितना सुंदर मौसम हो रहा है। वो भाई सूरज निकल चुका है यहाँ से, निकलता और मगरिब में जाकर डूब जाता है। मतलब मगरिब में जब जाता है ना तो मशरिक होती है पहाड़ों की तरफ से, और मगरिब जो होती है वो समंदर की तरफ से। सो गाइस ये देखिए इतना हसीन मौसम हो रहा है, और मेरे दोस्त बुला रहे, बोले आ जाओ खेलने के लिए। मैंने कहा थोड़ी देर बाद वीडियो बना के। हाँ क्या हो गया, ऊपर उड़ किधर हूँ? ये मेरी बचपन की पुरानी गाड़ी है साइकिल, और ना मम्मी ने अभी तक इसको संभाल के रखी है। राहुल कैसे हो, सिल्वर भी नहीं मिला ना गोल्ड मिला ना डायमंड, ड्राइवर भी इतने नीचे। बाद में आपको एक ड्राइवर भी ला के दिखाऊंगा और प्ले बटन भी ला के दिखाऊंगा। इसी बात में आप मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। मैं अम्मा आप खाने में क्या बना रहे हो, देखिए बूंदे तबकड़ी है और मजा भी आ रहा है। मम्मा आज ऐसा करें आप आलू के पराठे बना रहे हो, और ये जो ये ना फुल शौकीन हो गया, मेरी मम्मा के हाथ के पराठे उसको अच्छे लगते हैं, आलू के पराठे बंदे। इसी बात में सब्सक्राइब करो। मम्मा को कहा था आलू के पराठे बनाने का, मम्मा बना रही है आलू के पराठे, और ये देखिए उसको हम बेलेंगे तो ये पतला हो जाएगा। सो गाइस ये बन चुका है तवे पे पराठा, और डल चुका है, और ये देखिए ये है चिमटा। ये देखिए कितना बड़ा पराठा है मम्मा, मैं मम्मा है ना बड़े बड़े पराठे बनाती हैं। ये जल्दी से लाइक करें, मैं उसको लटक रहूँगी पलट लाऊं, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दें। सो गाइस अभी इसको हम घी लगा के सेक रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई होटल का खाना खा रहे हैं। मम्मा जो भी खाने बनाती है ना वो होटल के रखते हैं, मम्मा के हाथ में जादू है, कहते हैं ना एक जादू, वो जो वाला जादू है, इतने मजे के बनते हैं, हर चीज़ बनती है, ऐसी कोई चीज़ मुझे नहीं लगी जो गंदी हो ख़राब हो। सो गाइस देखिए कितने ब्यूटीफुल कलर आए, मतलब प्यारा कलर आया, बहुत प्यारा कलर आया। बेचारे अभी सही मुंह में डाल लूँ, मैं ऐसे ही खा जाऊँ, और यार मैंने बहुत करे मैं, और क्या जब मैंने के साथ भी खाएंगे हम तो क्या। पराठा अच्छा, मुझे पराठा अच्छा लगता है रायते के साथ हो जाएंगे। सुबह ना पूरी थाली में आ जाएगा ऐसा लग रहा है, देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ओ सो गाइस भाई पूरी थाली में नहीं आया पर इतना बड़ा है,
लेकिन थाली से बाहर है। बहुत मजे का, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। सो गाइस, मुझे मुझसे सबंड नहीं हो रहा था तो मैंने दो बाइट खा लिए। अब देखिए मैं आपको तीसरा बाइट खिला के दिखाता हूँ, खा के दिखाता हूँ। यार फुल बड़ा हुआ पराठा, फुल रोटी पराठा। अब ये देखिए मैं खा रहा हूँ, और देखिए। सो गाइस, फुल लोडेड पराठा है। गुड। फिर अंदर से दिखाता हूँ, बड़ा आलू। चलिए मैं खा लूँ दो बैठ के रायते के साथ तरीके से, फिर आपसे मिलता हूँ। आज मैं कल अपनी वीडियो एंड करना भूल गया था तो आज करूँगा मैं वीडियो एंड। जुम्मे और मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। आज नोवा मुहर्रम है और आप बाबा का वेट करो, बाबा रेडी हो रहे हैं तो हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक सही है। और अभी वीडियो को एंड कर रहा हूँ। एंड करने से पहले मैं एक बात बता रही हूँ, तो गाइस मेरे दोस्त कहते हैं रोज रोज वीडियो डाला करो और समझ नहीं आती कौन कौन सी वीडियो बनाऊँ। आप कमेंट में बताइएगा कैसी कैसी वीडियो बनाऊँ, व्लॉगिंग में क्या करूँ ये सोच रहा हूँ। इसलिए मैं थोड़े थोड़े दिन बाद व्लॉगिंग करता हूँ सही है। और मैं कहता हूँ इस तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर ज़रूर किएगा। और लाइफ तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।